गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य, एमडी आयुर्वेदा क्रिया शरीर। आज हम अपनी इम्यूनिटी के लेक्चर के बारे में जो बात करने वाला है, जो आज पार्ट टू हम बात करेंगे। अभी तक हमने दो बेसिक इम्यूनिटी के बारे में बात की, यानी कि इननेट इम्यूनिटी एंड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दोनों इम्यूनिटी जो है वो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, इट्स वेरी बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट इन डिटेल्ड वे, बिकॉज डिटेल में अगर हम देखने जाएंगे तो इट्स अ वास्ट टॉपिक ऑल्सो। तो फॉर दी आयुर्वेदा बीएमएस स्टूडेंट पर्पस, बहुत ही बेसिक वे पर जो वो लोग एग्ज़ाम में लिख सके, एंड दी फॉर द लेमैन पर्पस, यानी कि नॉन मेडिकल पर्पस, जो इम्यूनिटी को समझ सके, वैसे मैं ये लेक्चर डिलीवर करने वाला हूँ। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो इम्यूनिटी के बारे में जानने के लिए, तो आप अलग से उसकी बुक्स जो बुक्स या नेट के अंदर आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, मगर अभी जैसे मैंने बात कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो वैसे ही आगे हम देखेंगे, और अगेन आयुर्वेद के साथ में थोड़ा सा कोरिलेशन जो है हम करते रहेंगे। जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करी थी, अगेन इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हम फोकस डाल के फिर से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। हमने बात की थी बेसिक डेफिनेशंस ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड द सेल्यूलर इम्यूनिटी जो है उसके बारे में, यानी कि दोनों इम्यूनिटी के अगर हम उसके कॉमन बात करें, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब ही होगा यू आर एक्वायरिंग फ्रॉम समवेयर और द समथिंग। ओके, हम किसी से उसे एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा? तो जैसे कि अगर मुझे कोई भी डिसीज़, जो इन्फेक्शियस डिसीज़ हुआ है, हाँ, इन चाइल्डहुड और इन एडल्टहुड और इन एनी एज, तो जब भी वो डिसीज़ होगा तो ये दोनों इम्यूनिटी जो है वो एक्टिव हो जाएंगी। ओके, फॉर अ सर्टेन टाइम, और वो डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो काम चालू कर देगी इन जनरल। मगर इसके साथ में वो अपनी तरह से एंटीबॉडीज़ जो है वो फ्यूचर के लिए बना के रखेगी, कि इनकेस अगर सेम टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दी एंटीजन केमिकल जो है अगर आएगा, तो दे कैन फाइट। ओके, तो वैसे वो अपने आप को एक्वायर करके रखती है, कि अगर इन द फ्यूचर द सेम थिंग अगर हैपन रिपीटेडली, तो वो इजीली फाइट कर सकता है, और इजीली वो थोड़े ही समय में उसको रिकवर कर सकते हैं। ओके, और इसीलिए उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। और आयुर्वेद में अगेन देर इज़ अ सेकेंड वर्ड फॉर द इम्यूनिटी, जो हमने स्वभाव उपरम बात की थी, इट्स अ जनरल थियरी। ओके, नाउ डायरेक्टली इन आयुर्वेदा दे एक्सप्लेनिंग द इम्यूनिटी इन द टर्म ऑफ व्याधि क्षमत्व। ओके, ये इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड, एंड वर्ड इट्सेल्फ इट एक्सप्लेन्स द डेफिनेशन। व्याधि क्षमत्व यानी कि जो डिसीज़, व्याधि यानी कि डिसीज़ को क्षमत्व यानी कि सहन कर सकता है या उसे प्रिवेंट कर सकता है, उसे कहा जाता है व्याधि क्षमत्व शक्ति। ओके, तो ये बेसिक आइडिया जो है आयुर्वेद के अंदर काफ़ी सालों पहले ये एक्सप्लेन किया हुआ है, और कैसे इम्यूनिटी होती है उसके अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप मैंने ऑलरेडी ये पूरा टॉपिक जो है यूट्यूब के ऊपर एक्सप्लेन करके अपना ऑडियो लेक्चर जो है वो रखा हुआ है। टू टॉपिक्स आर देयर, टू लेक्चर्स आर देयर, वन ऑन दी ओजस पार्ट एंड द सेकेंड वन इन दी व्याधि क्षमता इट्सेल्फ और द इम्यूनिटी पार्ट। तो वो आप रिफ़र कर सकते हो, और उसमें कैसे आयुर्वेद ने डीपली एक्सप्लेन किया है, यू कैन सी दैट लेक्चर। ओके, तो आप वो लेक्चर को सुन सकते हो, और उसमें अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो समझने के, तो यू कैन कमेंट ऑन दैट टॉपिक, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट इट। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी हम जो बात करेंगे, दैट इज़ दी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अभी तक हमने लास्ट लेक्चर के बारे में जो थोड़ी बात की थी, और उसके अंदर एड ऑन किया था थोड़ा सा, तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी किसे कहेंगे? अगेन इसके वर्ड से ही हम समझ जाएंगे कि आर्टिफिशियल यानी कि हमारे शरीर के अंदर तो ये प्रोसेस नहीं ही हो रहा, यानी कि बाहर से जो कुछ भी इम्यूनिटी के लिए दिया जाएगा, इट्स कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इन द लेमैन टर्म। ओके, नाउ द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। इम्यूनाइजेशन इज़ एन एक्वायर्ड, यानी कि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इज़ एन एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीजेज। वेरियस वैक्सीन्स आर इंजेक्टेड टू द प्रोटेक्ट
against several diseases. Almost vaccines are prepared either directly from the dead organism, or this dead organism have their chemical antigen, but they cannot produce diseases, okay? Because they are the dead, they are not alive and form the different type of chemicals. So certain chemicals already resides in their body, that in their microorganisms body, they act on the our immunity, and by this the humoral or the cellular immunity get activated, okay? The antibodies are formed in the body against the specific antigens, and person get immunized against particular diseases. For example, typhoid, whooping cough, or the diphtheria, etc. But in some vaccines, organisms are grown artificially in the animals. These organisms are attenuated. Attenuated यानी कि उनका growth रोका जाता है और fully grow नहीं करवाया जाता. And that organisms which are carry antigens required for the immunization. उनके अंदर भी एंटीजेंस होता है जो सर्टेन केमिकल्स इम्यूनिटी के लिए चाहिए, तो वो रिक्वायर्ड केमिकल्स जो है वो शरीर में डाला जाता है वैक्सीन्स के थ्रू, एंड उसकी वजह से जो एंटीबॉडीज़ जो है उसके अगेंस्ट में वो बनना शुरू हो जाती है, ओके? तो फॉर दिस इम्यूनाइजेशन सच एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट पोलियोमायलाइटिस, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स एटसेट्रा, देन दे आर कॉल्ड एज अ इम्यूनाइजेशन और द आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. ये भी अगेन आप देखने जाओ तो एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर ही आएगा पूरा जो टॉपिक है, मगर फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको अलग से देखना है और अलग से ये लिखना होगा, ओके? तो दिस इम्यूनिटी इम्यूनाइजेशन वी कैन से एक्टिव इम्यूनिटी, ओके? एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि जो एंटीजेंस जो डाले जाते हैं, एंड देन इट मेक दी डायरेक्टली एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी ऑल्सो. तो हमारे शरीर के अंदर ही ये इम्यूनाइजेशन जो है वो एंटीबॉडीज़ को पैदा करता है, तो इसीलिए उसे बोला जाता है एक्टिव इम्यूनिटी. द सेकेंड इम्यूनाइजेशन टाइप इज द पैसिव इम्यूनिटी, ओके? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज एन एक्टिव इम्यूनिटी एज वी से, बिकॉज बॉडी डेवलप्स द एंटीबॉडी और द एक्टिवेटेड टी सेल्स इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन, ओके? जो यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर होता है. बट पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा कि डायरेक्ट एंटीबॉडी और द एक्टिवेटेड टी सेल्स आर इंजेक्टेड इन टू द बॉडी, ओके? तो जो एक्टिवेटेड टी सेल है या एंटीबॉडीज जो है पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए, वो ही सीधा इंजेक्ट किया जाता है शरीर के अंदर, और इसीलिए इसको पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है. बिकॉज जो बॉडी जिस बॉडी के अंदर दिया जाता है, जिस शरीर के अंदर दिया जाता है, उसको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ऑलरेडी जो ज़रूर है शरीर को, जिस डिसीज़ के लिए ज़रूरी है, वो सीधा ही शरीर के अंदर पहुँचाया जाता है. इसकी वजह से दे आर कॉल्ड एज अ पैसिव इम्यूनिटी, ओके? दिस एंटीबॉडीज लास्ट इन दी रेसिपियंट्स बॉडी फॉर द 2 to 3 weeks. तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये लॉन्ग टर्म एक्शन के अंदर काम में नहीं आएगा, ये सिर्फ 2 से 3 week के लिए काम में रहेगा और वहाँ पे वो एक्शन करेगा. द पर्सन इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिसीज फॉर द 2 to 3 weeks. अगर उसके अंदर उसकी एक्शन अच्छी तरह से हो गई तो उसका जो डिसीज़ है वो चला जाएगा या तो ट्रीट हो जाएगा अच्छी तरह से. This type of transfusion of the antibodies is called as a passive immunity. Okay, तो इसको ही passive immunity जो है वो बोला जाता है. Transfer of antibodies from the breast milk to body is also type of passive immunity. Because अगर आप देखने जाए तो breast milk के अंदर जो है टी सेल्स, एक्टिवेटेड टी सेल्स जो है वो वहाँ पर रहते ही है, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वहाँ पर ब्रेस्ट के अंदर ही, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कंटेंट में ही रहते हैं, तो वो डायरेक्टली बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और अल्टीमेटली बच्चा जो है वो सर्वाइव कर पाता है डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ के अंदर, ओके? तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. फर्स्ट वन एक्टिव एंड द सेकेंड वन इज़ अ पैसिव इम्यूनिटी, ओके? नाउ वी आर सीइंग द डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम. तो सर्टेन डिसऑर्डर्स आर देयर
कॉमनली फाउंड, द फर्स्ट वन इज़ अ हाइपर सेंसिटिविटी। आपने बहुत बार सुना होगा कि शरीर जो बहुत सेंसिटिव है सर्टेन थिंग्स को लेकर, यानी कि अगर आप जैसे सिंपली वे में देखो तो बाहर निकलना और बहुत ज़्यादा धूप हो तो सर्टेन पीपल्स आर गेटिंग इन्फेक्टेड बाय दैट हॉट क्लाइमेट। ओके, तो उनके अंदर स्पेशली स्किन के अंदर जो है वो ब्रूजिस हो जाते हैं, या जल्दी से स्किन इरप्शंस या स्किन की डिसीज़ जो है या बर्निंग ऑफ द स्किन जो है वो जल्दी से हो जाती है। ओके, तो वी कैन से द हाइपर सेंसिटिविटी। एंड अगेन वी आर वी कैन से हाइपर सेंसिटिविटी टू द एलर्जी ऑल्सो। ओके, यानी एलर्जी को हम हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो बोल सकते हैं। एलर्जी इज़ द डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। पीपल में हैव एलर्जी ऑफ स्पेसिफिक फूड, डस्ट, क्लोथ्स एट्सेट्रा। ओके, तो कोई बंद कमरे के अंदर अगर कोई जाता है और उसको एलर्जी होती है, अगर उस पर्टिकुलर स्मेल से अगर आपने देखा हो तो दे कैन फील सफोकेशन एंड दे कैन फील द ब्रेथलेसनेस टाइप ऑफ थिंग, तो वो भी एक एलर्जी कही जाती है। The substance like food, pollen, grains or the dust are the harmless. Generally, definitely, आप देखने जाओ तो सबको ये जो reactions जो है वो नहीं निकलता, तो in general वो बहुत ही ज़्यादा harmless है, मगर फिर भी कई लोगों को जो है वो इफेक्ट करते हैं और उसकी वजह से कई सारे सिम्टम्स जो हमें दिखाई देते हैं। बट द एलर्जिक रिएक्शंस अकर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम ऑफ दिस सम पीपल रिएक्ट्स टू दिस सब्सटेंसेस। ओके, तो इम्यून सिस्टम जो है वो इसके सामने एंटीजन के तौर पे उसे रिएक्ट करने लगे तो देर इज़ सर्टेन सिम्टम्स जो है वो बाहर दिखने लगते हैं और वी कैन से दैट इज़ एलर्जिक ऑफ समथिंग, वो डायग्नोस हम कर सकते हैं। तो एलर्जन जो है सब्सटेंस दैट कॉजेज एलर्जी और द रिएक्शन इन इज़ कॉल्ड एज एलर्जन। ओके, कि जिसकी वजह से एलर्जी रिएक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उसको हम एलर्जन के तौर पे जानते हैं। एलर्जन जैसे कि डस्ट या पर्टिकुलर फूड या क्लोथ्स या स्मेल या पोलन या ग्रेन्स जो है वो कई बार ऐसा होता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि सिटी पीपल जो है, यानी कि शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी गांव के रहने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा कम होती है। ओके, और इसीलिए जब वो गांव में अगर कोई जाते हैं और खेतों में घूमते हैं तो उनको तुरंत ही ब्रेथलेसनेस जो है वो होने लगती है। ओके, बिकॉज पोलन जो है गाँव में बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है कंपेयर टू दी सिटी। तो ये एक आप बात जो है वो प्रैक्टिकली देख सकते हो, और इसीलिए आयुर्वेद के अंदर देश जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है द डायग्नोस्टिक फैक्टर में, कि पर्सन जो है वो कहाँ पे रहता है, एक्चुअली उसका बर्थ कौन सी जगह से हुआ है एंड वो अभी कहाँ पे रहता है, तो ये दोनों मैटर करता है उसके इम्यूनिटी को लेकर। अगर आपने देखा जाए तो नॉर्थ साइड पर बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है, यानी कि उनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहती है, बहुत ज़्यादा इम्यून होते हैं। और अगर हम मिडिल साइड पे आए तो वहाँ पे इम्यूनिटी थोड़ी सी कम पाई जाती है। तो ये दिस इज़ द चेंजिंग इन द इम्यून लेवल। ओके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है तो वहाँ पे इम्यूनिटी कम होती है बिकॉज ऑफ वायु दोष एग्रीवेशन। तो ऐसी चीज़ों को लेकर हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि उसको वैदिक शमत्व यानी कि आयुर्वेद के साथ में कैसे कोरिलेट करें। अभी कई लोगों को ऐसा लगेगा कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये बारिश वाली जगह पे जो है इम्यूनिटी कम होती है, तो डेफिनेटली उसके लिए रिसर्च इज़ नीडेड। मगर आयुर्वेद के मुताबिक अगर हम देखने जाएँ तो वी कैन डायरेक्टली से यस दिस इज़ द थिंग और दिस इज़ द पॉजिटिव फैक्टर फॉर द लोअरिंग ऑफ द इम्यूनिटी। ओके, देन एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ द मास्ट सेल्स एंड बेजोफिल्स बाय द इम्यूनोग्लोबुलिन ई, यानी IgE जो है वो जल्दी से रिएक्ट करता है इस एलर्जन को। तो इट्स वेरी नेसेसरी, जब भी आप देखो एलर्जिक रिएक्शंस अगर होगा और IgE का टेस्ट करवाया जाएगा तो उसका लेवल जो है वो हमेशा हाई मिलेगा। ओके, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली डायग्नोस कर सकते हो कि कैसे जो है वो IgE और इसका कोरिलेशन मिल जाएगा। ओके, उसके बाद में आगे हम देखेंगे एलर्जिक रिएक्शंस रिजल्ट इन दी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सिस विच कैन बी ईदर माइल्ड और वेरी सीरियस। तो ये अगेन हमें थोड़ा सा देखना है कि कैसे उसके साथ में कोरिलेट कर सकते हैं आयुर्वेद के साथ में। तो यहाँ पे हमने इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बोला है, तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो आयुर्वेद के अंदर जनरली
पित्त दोष का एक्शन माना जाता है, यानी कि अगर कहीं भी इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, यानी कि आइटिस वर्ड कहीं भी लगता है, जैसे कि ग्लोसाइटिस, स्टोमेटाइटिस, यानी कि अपेंडिसाइटिस, देन कहीं भी आइटिस वर्ड लगेगा तो वजाइनाइटिस, तो वहाँ पे पित्त दोष जो है वो एग्रीवेटेड होगा, वो हम डायरेक्टली मान लेंगे। और ऐसे ही एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर होता है, तो एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर जनरली अगर स्किन एलर्जी है अगर किसी को, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको इरप्शंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द सर्टेन स्किन पार्ट दिखेगा। अगर ब्रोंकियल अस्थमा है, वो भी एक वन टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन है, तो वहाँ पे भी अगर आप देखने जाओ तो अंदर जो ब्रोंकियल से वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन मिलेगी। तो ये जो इन्फ्लेमेशन कहीं पे भी अगर आप तो दिखती है, इन द रिस्पॉन्स ऑफ एलर्जन और द एलर्जिक रिएक्शन सिम्टम, तो वहाँ पे एज पर आयुर्वेदा हमें सीधा पित्त के साथ में को रिलेट करना है, और वैसे हमें ट्रीटमेंट करने की शुरुआत करनी है। अगर यहाँ पे आप देखो तो वैदिक क्षमत्व जो है, यानी कि ओजस जो है, हा? जिसको हम ज़्यादातर इम्यूनिटी के साथ में कोरिलेट करते हैं आयुर्वेद के अंदर, ओज, तो वहाँ पे ओज और वैदिक क्षमता पूरा जनरली शरीर के प्राकृत कफ के साथ कोरिलेट किया गया है। यानी कि अगर शरीर में प्राकृत कफ जो है वो अच्छा होगा तो वैदिक क्षमता उसका बहुत अच्छा होगा। जैसे अगर हम प्रकृति के बारे में भी बात करें, तो प्रकृति के अंदर कफ प्रकृति वाले पर्सन को इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी बोली गई है, और वात प्रकृति वाले पर्सन की इम्यूनिटी काफ़ी लो बोली गई है। तो व्याधि असहत्व, वैसी टर्मिनोलॉजी वहाँ पे लिखी गई है, तो वो यू कैन से डायरेक्टली रिलेशन विद दी कफ दोष। एंड जब इम्यूनिटी का रिएक्शन होता है, यहाँ पे हमें क्लियरली देखना है कफ एंड पित्त, हाउ वी कैन कोरिलेट विद द इम्यूनिटी थिंग। अगर इम्यूनिटी का रिएक्शन के तौर पे अगर कोई डिसीज़ निकलता है, देर इज़ टू टाइप ऑफ डिसीजेज इन द इम्यूनिटी थिंग, कि अगर इम्यूनिटी कम है तो आपको कोई भी डिसीज़ हो सकता है, ओके? यानी कि अगर आपको सर्दी खांसी हो सकती है, आपको इन्फेक्शन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट हो सकता है, इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट हो सकता है, इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स हो सकता है, तो कहीं भी इन्फेक्शन होना, ओके, इट इज़ द कॉजिटिव फैक्टर ऑफ द इम्यूनिटी लोअरिंग पार्ट, ओके। मगर यहाँ पे क्या है कि इम्यूनिटी जनरली नॉर्मल है आपकी, इम्यूनिटी के अंदर आपका ज़्यादा जो रोल है वो इतना ज़्यादा नहीं है, मगर यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, या तो इम्यूनिटी के जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कि मिस फंक्शन, ओके, आयुर्वेद में अगर बोला जाए तो लोअरिंग ऑफ द इम्यूनिटी, यानी कि ओजक्षय हम बोल सकते हैं, नॉट अ पर ओज क्षय, दैट इज टू टाइप्स ऑफ ओज, वी आर नॉट गोइंग इन टू डिटेल, अपर एंड पर ओज, बट अपर ओज जो है उसका क्षय होने की वजह से हमें वी आर प्रोन टू दी डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेज, तो दैट इज ओज क्षय, ओके, ओज क्षय होने के बाद में वी आर प्रोन टू दी डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेज, और द वैदिक क्षमत्व कम होने की वजह से वी आर दी प्रोन टू दी डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेज। मगर यहाँ पे हमें देखना है कि मिस फंक्शन ऑफ द इम्यूनिटी, यानी कि यहाँ पे लोअरिंग नहीं हुआ है, आपकी वैदिक क्षमत्व कम नहीं है, मगर बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस जो वैदिक क्षमत्व जो है वो मिस फंक्शन कर रहा है, और उसकी वजह से आपको रिएक्शन हो रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको याद रखना है कि वहाँ पे वैदिक क्षमत्व के मिस फंक्शन के अंदर जो जो सिम्टम दिखेंगे, दे कंटेंट मेजरली पित्त रिलेटेड, या तो पित्त वृद्धि कर सिम्टम्स आर देयर इन टू दी सिम्टोमेटिक रिएक्शंस ऑफ द एलर्जी, ओके। अगर एलर्जी रिएक्शन के अंदर आप देखने जाओ तो वहाँ पे आपको क्लियरली ये पार्ट दिखेगा, तो ये ध्यान में रखें, ओके। तो वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज अ एलर्जी पोर्शन, तो इसमें एलर्जी कोई भी आ सकती है। एलर्जी के रिएक्शंस के अंदर जैसे कि आप देखो अस्थमा है, अर्टिक एरिया है, एक्जिमा है, ऐसे एस्पेशली टू एलर्जिक रिएक्शंस आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द पीपल, दे आर द ब्रोंकियल अस्थमा यानी कि अस्थमा, एंड सेकंड वन इज़ अर्टिक एरिया, ओके। एंड ये जो है, और इसकी वजह से अगर आप देखने जाओ तो सर्टेन ड्रग्स ऑल्सो गेट माल फंक्शन, ओके, कई सारी ड्रग्स जो है, स्पेशली मॉडर्न एलोपैथी की ड्रग्स जो है, एंटीबायोटिक्स है या सर्टेन एनसाइड्स है, तो उसकी वजह से भी कई बार एलर्जिक रिएक्शंस निकलते हैं, और एनाफाइलेटिक शॉक जो है वो हो सकता है, ओके, और इट्स अ इमरजेंसी कंडीशन व्हेन दैट शॉक गेट अटैक्ड, ओके।
अगर ऐसा शॉक अचानक से लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन मेडिकल केमिकल्स ऑफ द मेडिसिंस, अगर आपने ट्रायल नहीं किया होगा तो कई लोगों को ऐसा देखने को मिलता है. तो सर्टेन एंटीबायोटिक्स गेट अफेक्टेड बाय द इम्यूनिटी मिसफंक्शन. तो ये आप देख सकते हो डायरेक्टली, जिसमें अगेन रनिंग नोज इज ऑल्सो सिम्टम ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन. और इसकी वजह से अगर ये इम्यूनिटी जो है वो बार बार अगर ऐसा करती है तो इसकी वजह से अगेन देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेज अकर्स कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिसीज. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज एलर्जी, सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज ऑटो इम्यून डिसीजेज. ओके, बॉडी डेवलप्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट्स ओन टिश्यू विच लीड्स टू दी ऑटो इम्यून डिसीजेज. और यहाँ पे भी आपको देखना है कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन ऑफ द ऑटो इम्यून डिसीजेज है वो अगेन माल फंक्शन ऑफ द वैदिक क्षमत वही है, यानी कि माल फंक्शन ऑफ द इम्यूनिटी ही है. मगर द एलर्जिक रिएक्शन इज अ डिफरेंट एंड द ऑटो इम्यून डिसीज इज अ डिफरेंट थिंग. डेफिनेटली वी कैन से दे आर द ऑटो इम्यून डिसीज, दैट इज अस्थमा, अर्टिकेरिया, एक्जिमा, ऑल्सो दे आर द ऑटो इम्यून डिसीज बिकॉज इन द सेम फंक्शन दे आर गेटिंग माल फंक्शन इन द इम्यूनिटी. ओके, सभी के अंदर ये सेम चीज़ होती है मगर जस्ट सिम्टोमेटिक वाइज थोड़े से डिफरेंट होते हैं. तो ऑटो इम्यून डिसीज के अंदर अगर हम देखने जाए तो देर आर रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज द फेमस एंड द वेरी कॉमनली फाउंड इन द एजेड पर्सन. और ऑल्सो राइट नाउ वी आर फाउंड इन द वी कैन फाउंड इन द डिफरेंट एज ऑफ पर्सन इन एस्पेशली एडल्ट एज, यानी कि 25 से लेकर 30 40 तक, वहाँ पे हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो देखने को मिला है. ओके, देन हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दे आर द ऑटो इम्यून डिसीजेस. एंड अगेन वी कैन से ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑल्सो इज देयर, कि जिसकी वजह से ये डायबिटीज जो है यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, तो उसमें जनरली ये पाया जाता है. डेफिनेटली सभी प्रकार के इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस जो IDDM, उसमें ऑटो इम्यून होना ये ज़रूरी नहीं है, मगर ऑटो इम्यून डिसीज़ के अंदर IDDM जो है वो पाया जाता है बिकॉज पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स है वो इम्यूनिटी के माल फंक्शन की वजह से वो डेड हो जाते हैं और उसको फैगोसाइटिक वे पे उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है. तो इसकी वजह से वहाँ पे इंसुलिन का लेकिंग शुरू हो जाता है. इट्स कॉल्ड एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन दी ऑटो इम्यून डिसीज़ IDDM. ओके, देन द कॉमन ऑटो इम्यून डिसीज़ वाइडली स्प्रेड्स, दैट इज एड्स Acquired Immune Deficiency Syndrome. Okay, this disease attacks immune system. There is deficiency of the T cells lymphocytes. So patient can't stand against the any infection. तो जब AIDS होता है तो वहाँ पे T cell के ऊपर सीधा attack होता है और उसीलिए AIDS वाले patients को साथ में और भी कई सारे diseases जो है वो होते हैं, यानी कि bronchial asthma, weakness of the muscular system, यानी कि और बार बार infection होना अलग अलग जगह पे, skin disease हो सकते हैं. तो ऐसे कई सारे diseases जो है वो AIDS के अंदर commonly देखे जाते हैं. ओके, देन lymph and lymphatic system, ये एक अलग से पूरा इम्यून सिस्टम का पार्ट है. डेफिनेटली हम इसे स्टडी करेंगे मगर इन दी पार्ट थ्री, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी. तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अगेन आयुर्वेद के साथ में कोरिलेट करके देखना है. अभी हमने जो पढ़ा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी और द ऑटो इम्यून डिसीज़ जो है ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसको डायरेक्टली और एज इट इज़ समझें. ओके, बिकॉज ओजस पार्ट एंड द वैदिक क्षमत्व पार्ट, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इन दिस एरा और द राइट नाउ. अभी जो हम जी रहे हैं, अभी हम जो लाइव हो रहे हैं इस पर्टिकुलर दुनिया के अंदर, तो वहाँ पे अगर हम इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली हमें कोई भी डिसीज़ से जो है वो बचा नहीं सकता. और ऐसे हर बार आप देख रहे होंगे कि सर्टेन डिसीजेज जो है वो आज से 20 साल पहले सिर्फ एजेड पर्सन को होते थे, वो डिसीजेज अभी यंगस्टर के अंदर भी होने लगे हैं. ओके, एस्पेशली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो है वो कॉमनली फाइंड आउट होते हैं और उसकी वजह से अगेन हमारी इम्यूनिटी जो है वो हैम्पर होती है. ओके, तो कोई भी क्रॉनिक डिसीजेज अगर हमारे शरीर के अंदर है और हम सर्टेन लेवल पे केमिकल इंजेस्ट कर रहे हैं सर्टेन लेवल पे क्रॉनिक वे में,
कई सालों से हम दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी इम्यूनिटी जो है वो डाउन हो जाती है। ओके, और दी बहुत ही बड़ी चीज़ जो अभी के सिनेरियो में चल रही है, ये लेमेन के लिए मैं बोल रहा हूँ और अगेन स्टूडेंट्स को भी ये समझने की ज़रूरत है, ओवर या तो ओवर कॉन्शियस ऑफ द हाइजीन। ओके, बहुत ही ज़्यादा अगर हम कॉन्शियस रहेंगे हाइजीन के बारे में तो भी हम इम्यूनिटी को कम करते हैं। ओके, और अभी के सिनेरियो आप देखने जाओ तो हम बच्चों को अभी से इम्यूनिटी जो है वो प्रॉपरली नहीं देख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो है वो बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार सर्दी खांसी ताव बुखार और टॉन्सिलाइटिस जैसे जो तकलीफ है वो बार बार देखी जाती है, बिकॉज अभी वो इतने ही ज़्यादा ओवर सेफ एरिया के अंदर रहते हैं, यानी कि स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस, घर के अंदर बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस, द लेस एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट बिकॉज ज़्यादा एसी में बैठना, घर में उनका जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो पहले की कंपेयर में अगर हम करने जाए तो बहुत ही कम मात्रा में वो फिज़िकल एक्टिव होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है वो उनकी बॉडी जो है वो प्रॉपर एंटीबॉडीज़ और एंटीजन्स क्रिएट नहीं कर सकती और इसीलिए उनकी इम्यूनिटी जो है वो वीकर हो जाती है। ओके, दे आर नॉट एक्सपोजिंग टू द डस्ट, दे आर नॉट एक्सपोजिंग टू द सनलाइट, obviously the food get changed, जो normal हमारा पका हुआ food होता था रोटी सब्जी दाल चावल जो घर में ही हम ज़्यादातर खाते थे, मगर अब अभी के scenario में over intake of outer वाले food बाहर के खाना खाने, तो ये सब की वजह से जिसके अंदर बहुत ज़्यादा chemicals होते हैं, जो extra chemicals डाले जाते हैं, जो packed food रहते हैं ready to cook वाले, उसके अंदर preservatives की मात्रा अगर देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, distilled water पीने के लिए बार बार use करना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बेसिक थिंग होती है जिसकी वजह से जो एंटीजेंस केमिकल्स जो रहते हैं जो हमें बाहर से मिलते हैं जैसे कि फूड में से या पानी में से जो नॉर्मली हमें मिलते हैं, वो केमिकल्स बिकॉज ऑफ डिस्टिल वाटर और ओवर हाइजीन की वजह से नहीं मिलते, और अल्टीमेटली ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी जो होती है नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो उतना ज़्यादा काम नहीं करती है। ओके, और अल्टीमेटली वी आर फेसिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेफिसिट डिसऑर्डर्स। ओके, तो अभी की सिनेरियो में अगेन आप देखने जाओ तो ब्रोंकियल अस्थमा इन द किड्स आर वेरी कॉमन टू फाइंड। ओके, तो आप देखने जाओ तो वहाँ पे अगर 10 में से एक या दो बच्चे तो मिल ही जाएंगे जिनको ब्रोंकियल अस्थमा जो है वो रहता है। ओके, सॉर्ट ऑफ नॉट एक्सट्रीम लेवल, नॉट द इमरजेंसी कंडीशन लेवल, बट द बेसिक तकलीफ ऑफ द ब्रेथलेसनेस वो तो देखी ही जाएगी। ओके, तो लॉट मोर थिंग्स वी हैव टू से इन द लास्ट थिंग फॉर द टुडेज लेक्चर, इन द वैदिक समत्व देर इज फोर बल, बल यानी कि एनर्जी, बल यानी कि शक्ति जो है वो डिस्क्राइब किए हुए इन कंसेप्ट टू द वैदिक समत्व। फर्स्ट वन इज ए सहज बल। ओके, यानी कि इनेट इम्यूनिटी इसके साथ में हम कंसीडर कर सकते हैं। तो फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ बाय बर्थ जो रहती है हमारी शरीर की और माइंड की, वो इनेट इम्यूनिटी के हम साथ में कोरिलेट कर सकते हैं, और उसको जो हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी पावरफुल वे पे बन के आ रही होगी तो उसको सहज बल कहा जाता है। और इसी वजह से अगर सहज बल हमारा या बच्चे का जो है ठीक होगा तो डेफिनेटली उसकी इम्यूनिटी पावरफुल रहेगी और अल्टीमेटली जो भी डिसीजेज होने वाले हैं वो हम प्रिवेंट कर सकेंगे। ओके, तो सहज बल को बढ़ाने के लिए हमें मातृ यानी कि जो मदर है ऑलरेडी अभी प्रेगनेंसी की टाइम में चल रही है उसको अगर खाने पीने में ध्यान रखा जाए, ओके, तो ऑटोमेटिकली आने वाले बच्चे का सहज बल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वे में और बहुत ही ज़्यादा सही वे में बन के आएगा। और इसीलिए पूरे प्रोसेस के अंदर यानी कि इस गर्भ संस्कार की प्रोसेस के अंदर सहज बल भी इंक्रीज होता है। तो गर्भ संस्कार आप करवा सकते हो, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसे गर्भ संस्कार की बुक प्रेजेंट कर सकते हो जिसकी वजह से उसको नॉलेज हो और ये आगे जो इम्यूनिटी वाला पोर्शन है वो डेवलप कर सके। देन सेकंड इज अ कालज बल, फिजिकल स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू दी सीजन। ओके, यानी कि आप देखने जाओ तो विंटर सीजन यानी कि ठंडी की जो ऋतु होती है उसको हम इम्यूनिटी की सीज़न बोलते हैं। ओके, क्योंकि उसमें हमारी इम्यूनिटी जो रहती है वो बहुत ही हायर लेवल पे रहती है, और अगर उसमें हमने ऐसा कुछ किया जिसमें जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़े
तो डेफिनेटली हमारे पूरे साल के लिए जो इम्यूनिटी के लिए बूस्टअप चाहिए वो मिल जाएगा। ओके तो च्यवनप्राश ज़्यादातर हम ठंडी के ऋतु में खाते हैं जस्ट बिकॉज हमारी इम्यूनिटी और ज़्यादा अच्छी बढ़े। जो स्पेशली इन इंडिया एंड द एरिया ऑफ गुजरात वी कैन से वहाँ पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेज बनाई जाती है जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम लिए जाती है, उसको गुजराती में बोला जाता है वसाणु। ओके वसाणु यानी कि सर्टेन उष्णवीर्यात्मक द्रव्य से कंटेंट हुआ विथ लॉट्स ऑफ फैट कंटेंट, घी या घी से बना हुआ जो चीज़ होती है, उष्णवीर्य एंड घी ये दोनों मिलकर जो है इम्यूनिटी को बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ाते हैं। यानी कि मैं अगर नाम दूँ तो देर इज़ अ तिल का जो एक प्रोसीजर रहता है, देन सेकेंड वन इज़ अ उड़द दाल का एक चीज़ बनाया जाता है, उड़द पाक बोलते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ जिंजर का पेस्ट या जिंजर की एक फॉर्मुलेशन बनाई जाती है जिसे कहा जाता है आदू पाक। तो ऐसे जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेज है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी तरह से काम करती है। मगर अभी के सिनेरियो में ऐसा है कि बहुत ही कम मात्रा में लोग अभी घर पे बना रहे हैं और बहुत ही कम मात्रा में इम्यूनिटी का पूरा प्रोसेस जो है जो नेचुरली हमारे लाइफ के अंदर कम्प्लीटली उन्होंने बांध के रखा था वो अभी नहीं हो रहा है। तो आई विश के ये मेरे लेक्चर सुनने के बाद थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो, और डेफिनेटली अभी कोविड का जो चल रहा है कोरोना का उसको भी ध्यान में रखते हुए अगर हम ये पूरी हमारी जो परंपरा है वो वापस ज़िंदा करें और घर पे और स्पेशली विंटर के 4 महीने में हम ऐसा कुछ खाना खाएं जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी तरह से बढ़े। ओके देन थर्ड वन इज़ अ वयोकृत, यानी कि एज वाइज इम्यूनिटी, यानी कि अगर बच्चों में देखने जाओ तो इम्यूनिटी वहाँ पे प्रोसेस होती है, यानी कि इम्यूनिटी बनने का प्रोसेस चालू होता है तो वहाँ पे उनकी इम्यूनिटी लोअर साइड पे होती है और एजिड पर्सन के अंदर इम्यूनिटी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आती है। तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ वात वृद्धि इम्यूनिटी जो होती है वो लोअर साइड पे होती है और इन द एडल्ट पर्सन द इम्यूनिटी इज़ द इन द बेस्ट कंडीशन। तो ये आप देख सकते हो वहाँ पे कि एज वाइज भी डिफरेंट, और अभी भी अगर आप कोरोना से कोरिलेट करो तो जनरली अबोव 50 वाले जो है, अबोव 50 इयर्स के एज वाले पर्सन जो है वो ज़्यादा कोरोना इफेक्टिव है एंड उनकी डेथ भी ज़्यादा हो रही है सर कंपेयर टू दी एडल्ट एंड दी किड्स। ओके तो लोएस्ट इम्यूनिटी इन द एजेड पर्सन, लोअर इम्यूनिटी इन द किड्स एंड द बेस्ट इम्यूनिटी इन द एडल्ट पर्सन, ये हमें वयोकृत बल जो है उसके थ्रू समझ में आता है। द फोर्थ वन इज़ युक्तिकृत। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा काम शुरू होता है एज अ बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू द प्रकृति ऑफ द पर्सन यू हैव टू सिलेक्ट सर्टेन द्रव्यास जो उस पर्टिकुलर पर्सन की इम्यूनिटी जो है वो बढ़ा सके। ओके तो ये हमें सीखना है और जानना भी है। अभी के सिनेरियो में अगर आप इम्यूनिटी के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो तो काफ़ी कमर्शियली और काफ़ी ऐसा बोल सकते हैं कि काफ़ी अर्निंग कर सकते हो इसके थ्रू। मगर इसमें ध्यान रखना है कि आयुर्वेद में कहीं पे भी मैनिपुलेशन वाला अर्निंग नहीं है, तो ये संभाल के जेन्युइन अर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। युक्तिकृत यानी कि थ्रू दी न्यूट्रिशियस फूड, थ्रू दी एक्सरसाइज, थ्रू दी सर्टेन मेडिकेशंस, अगर आप उनको गाइड कर सको पर्टिकुलर पर्सन को कि उनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाती है, फॉर द युक्त यानी प्लानिंग करके आपको उसकी जो इम्यूनिटी हो बढ़ानी है। ओके तो युक्तिकृत स्ट्रेंथ डेवलप्ड बाय द ईटिंग न्यूट्रिशन फूड एक्सरसाइज मेडिसिंस कॉल्ड एज ए युक्तिकृत। ओके तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है कि कैसे हम उसे अच्छी तरह से डेवलप कर पाए। ओके जैसे कि वात प्रकृति वाले पर्सन हैं तो अगर उसको रेगुलर बेस पे सर्टेन औषध से सिद्ध घी अगर खाने को बोला जाए तो डेफिनेटली उसकी इम्यूनिटी जो है वो गेन होगी। पित्त वाले पर्सन को अगर रेगुलरली कोई मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छी तरह से उसे औषध के साथ मिलाकर दी जाए, यानी कि स्पेशली गौ दुग्ध, ओके तो डेफिनेटली उसकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ सकती है। एंड कफ वाले को उष्णवीर्य के साथ में घी वाला कोई भी पोर्शन दिया जाए, उष्णवीर्य औषध के साथ में घी अगर दिया जाए तो उसकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ सकती है। ओके
तो इम्यूनिटी को अगर बढ़ाना है तो डेफिनेटली वी हैव टू सी द पोर्शन ऑफ स्नेह पदार्थ विथ सर्टेन औषध. ओके, स्नेह यानी फैट फूड. अभी के सिनेरियो में अगेन वी आर अवॉइडिंग द फैट फ्री खाना हम जो ले रहे हैं ज़्यादातर, तो वो स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए. ओके, फैट इज़ द वेरी एसेंशियल कंटेंट ऑफ द बॉडी. अगर आप फैट फ्री खाना शुरू कर दोगे, हाँ सर्टेन डिसीज़ के अंदर वो नहीं लेना चाहिए, इट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उससे बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही रेगुलर वे पे फैट प्रोडक्ट जो है वो लेने चाहिए. मगर फैट के अंदर या तो गोदुग्ध यानी कि गाय का दूध या तो गाय का घी ही ज़्यादातर काम में आता है. ओके, फैट यानी तेल और दी बटर और दी चीज़ और दी ऐसी कई सारे जो मिल्क प्रोडक्ट्स है जो बाहर तैयार मिलती है. अगेन आई एम स्ट्रिक्टली अपोजिंग दी डेयरी प्रोडक्ट जो तैयार मिलती है या तो डेयरी जो रेडी टू कुक होता है वो ज़्यादातर नहीं लेना चाहिए. मक्खन या तो बटर अगर आप खाना हो तो डेफिनेटली आप घर पे बनाओ, वो ज़रूरी है, तो उससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ सकती है. स्पेशली बच्चों के अंदर सफ़ेद मक्खन जो रहता है जो घर पे बनाया जाता है, और अगर मिल सके तो गाय के घी का अगर मक्खन खिलाया जाए शुरुआत के 5 साल के अंदर, तो डेफिनेटली उसकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ती है, और स्पेशली द ब्रेन सेल डेवलपमेंट भी उसकी वजह से ज़्यादा होता है. ओके, तो दिस इज़ फॉर टुडे, यहाँ तक रखते हैं. आगे हम देखेंगे थर्ड लेक्चर के अंदर कि कैसे लिम्फेटिक सिस्टम जो है इसके साथ में अटैच होती है. थैंक यू सो मच फॉर द कामिंग लिसनर्स एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय स्टूडेंट्स. प्लीज़ लिसन माय लेक्चर्स रिपीटेडली, तो आप एग्जामिनेशन भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. एंड प्लीज़ शेयर माय लेक्चर्स टू योर कलीग्स एंड as obviously subscribe my channel Vedikayu Productions. Best of luck, have a nice day to all of you. Thank you so much.